नमस्कार दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.63% के क्लियर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसी से नोटिस करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेड कैंडल है। पिछले कई दिनों से नोटिस करेंगे स्टॉक में लगातार रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। दोस्तों, क्या यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आने वाला है या फिर स्टॉक में तेजी आने वाला है? तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों, नोटिस करते तो इंडियन ओवरसीज बैंक जब स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, तो ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक अपने प्रीवियस के रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो ऊपर ब्रेकआउट करके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पर जो कि 83-84 को रेजिस्टेंस बना है। तो उसके बाद देखेंगे स्टॉक में गिरावट आए। जब गिरावट आए तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया 56 को। 56 को सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी की कंडीशन को नोटिस तो स्टॉक को दिखाई दे रहा है, स्टॉक यहां से इस तरीके से कि अप ट्रेंड में क्लियरली कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से स्टॉक इस तरीके से कंडीशन बनाना चाहिए था, लेकिन अभी देखेंगे आज की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो इसके सामने जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 59.75 का, और जो रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा एक और रेजिस्टेंस लेवल इसके थोड़ा सा ऊपर है जो कि 71 के पास में, राइट। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि स्टॉक यहां से अपना जो 59 का लेवल है यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ सकता है। अदरवाइज इसको ब्रेकडाउन करें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 56 का रहेगा, यहां तक भी आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पे। और एक बात आपको बता दूं, जैसे जैसे स्टॉक आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सपोर्ट लाइन के पास में अगर कोई बुलिश पैटर्न बने, बुलिश पैटर्न मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और भी बहुत सारा प्राइस सेक्शन पैटर्न होता है, जैसे कि इस तरीके से एक डबल पैटर्न भी होता है। तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न अगर देखने को मिले तो समझिएगा स्टॉक में तेजी आएगा, अदरवाइज गिरावट का संभावना रहेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक में अभी तक कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट का संभावना नहीं है। बाकी आने वाले समय में अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने के कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज जब बनाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।